हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले ऐसा एक ब्लूटूथ गेम पैड जो पबजी कंपैटिबल हो, पबजी के साथ सपोर्ट करता है। गाइस डेढ़ साल पहले मैंने ऐसे एक गेम पैड की अनबॉक्सिंग की थी जो था एमकेट का ईवो गेम पैड 2 जो ब्लूटूथ कंपैटिबल था और गाइस तभी पबजी के लिए सपोर्टेड था। बट गाइस पबजी ने बाद में उस गेम पैड को बैन किया, मतलब हालांकि जितने भी सारे ब्लूटूथ गेम पैड्स थे मार्केट में सभी को बैन कर दिया। और गाइस वापस अभी सारे ब्लूटूथ गेम पैड्स ने उनके पास एप्लीकेशन देके बहुत कुछ सारी चीज़ें की और एमकेट ने यहाँ पे एमकेट ईवो गेम पैड प्रो 4 निकाला जो है पबजी कंपैटिबल। और गाइस ये आपको मिल जाता है 2000 रुपये की प्राइस में। और गाइस ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइस ये जो गेम पैड है ये है टीवी के साथ भी कंपैटिबल, मतलब एंड्रॉयड टीवी के साथ भी आप इसकी हेल्प से गेम खेल सकते हो। और गाइस कई सारे फीचर्स इसमें आपको देखने मिलते हैं, तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या फीचर्स एग्जैक्टली इसमें आपको देखने मिलेंगे। तो गाइज ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। यहाँ पे आगे की तरफ आपको एमकेट की ब्रांडिंग देखने मिलती है, नीचे की तरफ है ईवो गेम पैड प्रो 4 और यहाँ पे आपको डायरेक्टली उन्होंने पबजी का इमेज दिया है, मतलब ये पबजी कंपैटिबल है। और गाइज यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एंड्रॉयड एप्पल दोनों के सिंबल्स मिलते हैं, मतलब आईफोन और एंड्रॉयड फोन्स के साथ ये कंपैटिबल है। प्लस गाइज बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा गेम्स के लिस्ट मिलते हैं। प्लस गाइज एक्स्ट्रा बैक बटन्स L3 एंड R3 आपको देखने मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा दो बैक बटन्स उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दैट्स इट गाइज। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलती है उसकी MRP जो है 2599, बट गाइज आपको ये मिल जाता है 1999 रुपीस की प्राइस में। तो अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलता है यूज़र मैनुअल, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलता है कुछ कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाला थिंग, मतलब 5 स्टार दो ये वो सब। क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पे आपको देखने मिलता है एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ कैसे आपको इसे कनेक्ट करना है, स्पेशली पबजी के इंस्ट्रक्शंस इसमें आपको देखने मिलते हैं, तो इससे फिलहाल हम रखते हैं साइड में। उसके साथ ही गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलता है वो एक्चुअल गेम पैड। सो गाइज ये है वो गेम पैड और आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इसकी फिनिश है। यहाँ पे आपको मैट फिनिश देखने मिलता है, यहाँ पे आगे की तरफ एमकेट की ब्रांडिंग दी है, तो इसे भी फिलहाल रखते साइड में। उसी के साथ यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है नॉर्मल USB टू माइक्रो USB केबल। और गाइज अभी हम बढ़ते गेम पैड की तरफ। सो जैसे मैंने बताया काफ़ी बढ़िया फिनिश है, मैट फिनिश साइड में आपको देखने मिलता है और गाइज काफ़ी स्टर्डी लगता है, प्लास्टिक मटेरियल है बट गाइज हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे आपको देखने मिलता है। और यहाँ पे एमकेट की ब्रांडिंग, जैसे हम इसे ओपन करते हैं यहाँ पे क्लिक साउंड्स आते हैं, सो काफ़ी बढ़िया लगता है। और गाइज यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको स्प्रिंग देखने मिलते हैं जो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर आपके पास 7 इंच का टैब होगा तो शायद इसमें फिट हो सकता है, बट गाइज सारे स्मार्टफोन जितने भी सारे स्मार्टफोन्स है वो इसमें आसानी से फिट हो जाएंगे। सो गाइज उसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ ईवो का लोगो दिया है और यहाँ पे आपको सारे बटन्स देखने मिलते हैं L1 L2 R1 R2। और गाइज यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट के थर्ड कीज़ भी आपको देखने मिलते हैं जो इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड किए यहाँ पे दोनों भी। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन और इसमें आपको देखने मिलते हैं 500 mAh की बैटरी। गाइज यहाँ पे पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए। और गाइज वही सारी ट्रेडिशनल कीज़ है, अगर आपको इसे पावर ऑन करना है तो यहाँ पे होम बटन दिया है, बस आपको इसे प्रेस करके रखना है और आप देख सकते हो यहाँ पे LED लाइट आ चुकी है, मतलब ये पावर ऑन हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं काफ़ी बढ़िया LED लाइट जो ऐसे कर्व में यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। यहाँ पे आपको 4 LED लाइट्स देखने मिलते हैं, मतलब जब भी आप आईफोन के साथ कनेक्ट करते हो एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करते हो तो डिफरेंट LED लाइट्स यहाँ पे ब्लिंक हो जाते हैं। सो गाइज अभी हम कनेक्ट करते हैं इसे हमारे फ़ोन के साथ। तो दोस्तों अभी हम कनेक्ट करेंगे इसे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे LED लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। और गाइज अगर आपको कनेक्ट करना है इसे आईफोन के साथ तो बस आपको जो होम बटन है और जो वाई बटन है उसे प्रेस करके रखना है और आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे जो सेकंड LED ब्लिंक करना स्टार्ट करती है, मतलब आप आईफोन के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको एंड्रॉयड के साथ इसे कनेक्ट करना है तो आपको होम और ए बटन प्रेस करके रखना है। दोस्तों ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है ये आपको यूज़र मैनुअल में देखने मिलते हैं। सो अभी हम जाएंगे ब्लूटूथ सेटिंग्स में और यहाँ पे आप देख सकते हो T12 आ चुका है। एक्चुअली एमकेट ईवो गेम पैड प्रो 4 आना चाहिए बट पता नहीं T12 आ चुका है, तो हम लोग क्लिक करते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो LED ब्लिंक है वो स्टॉप हो चुकी है, मतलब ये पेयर हो चुका है। सो अभी हम डायरेक्टली प्ले करेंगे इसमें पबजी। बट गाइस पबजी प्ले करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन को इससे यहाँ पे डाउनलोड करना है जिसका नाम है यहाँ पे शूटिंग प्लस V3 एप्लीकेशन।
आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको ओपन करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे गेम्स लोड होते हैं जिसकी हेल्प से आप गेम पैड के साथ इसे खेल सकते हो, जिसे बेसिकली डिज़ाइन किया है इन एमकिट वालों ने कि आप गेम खेल सकते हो और जितने भी सारे कंट्रोल्स हैं ऑलरेडी प्री सेट आते हैं, अगर आपको चेंज करने तो उसे भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। गाइज इसे यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आपको लॉन्च करना है बेसिकली पबजी गेम, दैट्स इट। और अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फ़ोन आपका माउंट करना है। बेसिकली जो होम स्क्रीन है वो आपको राइट हैंड साइड पे रखना है अकॉर्डिंग टू द यूज़र मैनुअल और कुछ बस इस तरीके से आपको स्लाइड इन करना है इसमें, दैट्स इट। और हम लोग ज़्यादा स्लाइड इन नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पावर बटन है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लेफ्ट राइट हो ही जाता है गाइस। ओके सो पबजी गेम यहाँ पे ऑलरेडी लोड हो चुका है तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे यहाँ पे आपको जाना है कंट्रोल्स में और कस्टमाइज़ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो V3 का बटन है ऑप्शन है उसे प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी कस्टमाइजेशंस आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन मूव करना है तो आप इसकी हेल्प से मूव कर सकते हो गाइस। इसके लिए आपको V3 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। सो अभी यहाँ पे हम सेव करते हैं इसे, ओके सेव्ड, और फिर यहाँ पे इसे भी सेव करते हैं बैक। सो यहाँ पे जो गेम है हमने स्टार्ट कर दी है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गेम प्ले यहाँ पे आपको बताया और गाइज़ गेम प्ले जो था काफ़ी हद तक मुझे स्मूथ लगा। हालांकि अगर किसी को गेम पैड की आदत है तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप खेल सकते हो, मुझे इतनी गेम पैड की आदत नहीं है बट गाइज़ काफ़ी अच्छे तरीके से ये गेम पैड में गेम चल जाता है। और गाइज़ मैं यहाँ पे आपको एक इसका ड्रॉबैक बताना चाहता हूँ कि इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम ये लगी कि आप हर एक चीज़ इसमें कर सकते हो, हर एक चीज़ कस्टमाइज़ भी कर सकते हो बट गाइज़ जब भी आप लेफ़्ट मूव करते हो मतलब लेफ़्ट की साइड देखते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लिच मुझे महसूस आ रहा है। पता नहीं इसी डिवाइस पे आ रहा है या किसी और डिवाइस पे भी आता होगा तो मुझे चेक करना चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं आगे मूव कर रहा हूँ मैं राइट की तरफ देख रहा हूँ तो काफ़ी स्मूथली जा रहा है बट लेफ़्ट की तरफ देख रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप मुझे नज़र आ रहा है। पता नहीं क्या एग्जैक्टली इशू है। मैं दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में भी इससे ट्राई करता हूँ बट गाइज आप देख सकते हो अगर मैं राइट मूव कर रहा हूँ तो काफ़ी स्मूथली जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। बस गाइज यही इसमें प्रॉब्लम है बट गाइज बाकी अगर हम गेम पैड की बात करें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें गेम चल जाते हैं। और गाइज ये जो फ़ोन है ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फिट हो जाता है, ये है H10 Lite। और गाइज ओवरऑल अगर गेम पैड की बात करें तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और गाइज अभी हम देखेंगे इसका और एक डेमो, अभी हम कनेक्ट करेंगे इसे टीवी के साथ और टीवी पे भी इसमें जो गेम्स है कैसे प्ले करते हैं मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज अभी हमने यहाँ पे गेम पैड को टर्न ऑन किया है तो बस आपको एज यूजुअल एंड्रॉयड फ़ोन के साथ जैसे आप टर्न ऑन करते हो वैसे आपको इसमें टर्न ऑन करना है। आपको जाना है सेटिंग्स में और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो रिमोट्स एंड एसेसरीज में आपको जाना है, ऐड एन एसेसरी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्चिंग फॉर एन एसेसरी आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट जो है ओके फाइन T12 यहाँ पे आ चुका है, मतलब जो कंट्रोलर है वो कनेक्ट हो चुका है, मतलब कनेक्ट करना है। सो क्लिक करते ही आप देख सकते हो पेयरिंग आ चुका है। सो गाइज अभी ये फाइनली पेयर हो चुका है और गाइज अभी हम इसमें खेलेंगे गेम्स। तो यहाँ पे कुछ गेम्स मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं तो हम जाएंगे ऐप्स में और एप्लीकेशंस में। गाइज यहाँ पे मैंने कुछ गेम्स यहाँ पे डाउनलोड किए थे जैसे बीबी रेसिंग है, एसफाल्ट 8 है, अनकिल्ड है। तो यहाँ पे एसफाल्ट 8 जो गेम है हम उसे प्ले करके यहाँ पे आपको डेमो बताते हैं कि कैसे एग्जैक्टली ये गेम पैड वर्क करता है। तो गाइज़ ये है Day 2 और गाइज़ आज भी हम लोग यहाँ पे पबजी टेस्ट कर रहे हैं इसमें। तो कल मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में जाते समय कुछ फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने मिलते हैं सैमसंग H10 Lite में और गाइज़ अभी मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे सैमसंग S9 तो आप देख सकते हो यहाँ पे और इसे भी मैंने कनेक्ट किया है गेम पैड के साथ और यहाँ पे मैं आपको खेल के बताता हूँ। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में जब जा रहा हो स्मूथली जा रहा है और गाइज़ अभी लेफ्ट हैंड साइड भी इसमें काफ़ी स्मूथ जा रहा है, मतलब वो डिवाइस का इशू है, मतलब कनेक्टिविटी का इशू होगा, डिवाइस का इशू होगा बट गाइज़ इसमें आप देख सकते हो राइट और लेफ्ट जो ओवरऑल इसका जो पैनिंग है काफ़ी बढ़िया तरीके से हो रहा है यहाँ पे।
सो गाइस इसमें ऐसा कुछ एज सच डिवाइस का इशू मुझे नहीं लगा। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस AmKit Evo Gamepad Pro 4 का अनबॉक्सिंग, काफी लंबा सा नाम है गाइस, ये जो गेमपैड है काफी बढ़िया है, मतलब इसके कंट्रोल्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, कंपैटिबिलिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, मतलब एंड्रॉयड iOS devices, TV के साथ, Android TV के साथ आप इसे कनेक्ट करके खेल सकते हो। सो गाइज ओवरऑल अगर गेमपैड की बात करें तो काफ़ी बढ़िया ये गेमपैड है, और गाइज आपको मिल जाता है 1999, मतलब 2000 रुपए की प्राइस में आपको मिल जाता है। और गाइज 2000 रुपए की प्राइस में अगर आपके पास Android TV है, आप उसके ऊपर भी गेम खेलते हो, आप Android iOS कोई भी फ़ोन है आपके पास उसके ऊपर अगर आप गेम खेलते हो, तो गाइज काफ़ी बजट इन्वेस्टमेंट है इस गेम पैड में। और गाइज ये अभी फिलहाल तो आपको अमेजोन पे अवेलेबल नहीं मिल रहा है, कभी स्टॉक में आता है कभी आउट ऑफ स्टॉक चले जाता है, बट गाइज AmKit की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा अवेलेबल। सो गाइज अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज का ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।